अरे बाबा जल्दी खोलो ना। खोल तो रहा हूँ बाबा। अरे मुझे वॉशरूम जाना है यार। अरे तो खोल रहा हूँ, लॉक खराब हो गया, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, तेल डालना पड़ेगा इसमें। लो खुल गया, जाओ। हेलो, सब ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। तुम बात करो, मैं आती हूँ। हाँ मैं भी ना बस हाल ही में शिफ्ट हुआ। आपको तो पता ही है फ्लैट्स की जिंदगी, सालों गुजर जाते हैं, बाजू में कौन रहता पता ही नहीं चलता। वैसे माय नेम इज निशान, आपका? राहुल। राहुल कपूर। राहुल वोहरा, आपका? निशान प्रकाश। राजीवा, और दिन तो मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ कि बाहर से आए हो, हाथ पैर धुल लो, तब तो हाथ पैर नहीं धुलते, और आज खुद से ही। वैसे सूरज कहाँ से निकला है? क्या तुम बीबी लोगों की परेशानी क्या है? आज भी मतलब आपकी बात मान ले तो भी चोर चालू रहेगी, आज में आपकी बात ना माने तो भी चोर चालू रहेगी। वेरी फनी है ना? हाँ ठीक है ठीक है। उसका नाम ना निशान प्रकाश था। हाँ तो किस जात का होगा? मतलब ये कि जैसे हमारे सरनेम से ये पता चल जाता है कि हम किस जात के हैं, उसकी जात क्या होगी? उसी से पूछ लेते हैं। यार बड़ा अच्छा लगेगा मैं उसको ये बोलूं कि भैया आप कौन जाते हो। नहीं तो जब उसके सामने पूछने में इतना अजीब लग रहा है तो उसके बीच पीछे डिस्कशन करने में क्यों? वाह भाई वाह, मतलब मैं अब अपनी बीवी के साथ डिस्कशन तक नहीं कर सकता है। बाबा मैं मजाक कर रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, आ करके तैयार करती। ठीक है। देखो जरा दरवाजे पर कौन है। हाँ बाबा देख रहा हूँ कौन है दरवाजे पे, देख रहा हूँ मैं। वो एक्चुअली गैस पे सब्जी रखी और पता पड़ा हल्दी तो खत्म ही हो गई। थोड़ी सी हल्दी मिलेगी? कौन था? अरे थानी है यार। कौन है? पड़ोसी हमारा, और कौन होगा? हल्दी मांग रहा है, कहाँ हल्दी? अरे तो दे दो ना, ये रही हल्दी। अच्छा इसमें डाल दी हल्दी? हाँ। लेकिन याद रखना इसने अब मांगने वाला सिलसिला शुरू कर दिया, इसलिए जिन बर्तन में सामान जाएगा वो अलग से रखना, मिक्स मत करना। ठीक है? ठीक है ठीक है। ये लीजिए हल्दी। थैंक यू जी। वो एक्चुअली सुबह सुबह ना चाय पत्ती खत्म हो गई थी, आइस मिलेगी? शाम को क्या कर रहे हैं आप? क्या लाइट आ रही है? सुबह सुबह मंदिर गया था तो सोचा आप लोगों के नाम का भी प्रसाद चढ़ा दूं। वो मैं 3 दिन के लिए अपने ससुराल जा रहा था। हाँ आ रही है, कमाल है, मेरे यहाँ नहीं आ रही है। लेते हैं ना लिटिल लिटिल, आप मेरे घर का ध्यान रख लेंगे थोड़ा? आइए ना शाम को करते पार्टी। हेलो कोई है? हेलो। हाँ जी। अरे राहुल जी, वो आपका दरवाजा खुला रह गया था। दरवाजा? हाँ पता मुझे, मैंने जानबूझ के खुला छोड़ा था, वो क्रॉस वेंटिलेशन, ताजी हवा आती ना इसके लिए। अच्छा अच्छा, मतलब आपने जानबूझ के खोल के रखा है। अब मुझे लगा गलती से छूट गया, क्योंकि ना आजकल चोरी चकारी का बहुत डर। हाँ, पता है। थैंक यू। दरवाजा बंद कर दीजिए आप। हाँ मैं कर देता हूँ। कौन था? कौन होगा भाई? पड़ोसी हमारा। क्या कह रहे थे? क्या कहेगा साला, मौके और बेमौके हमारे पिछवाड़े घुसने की कोशिश करता रहता है। अरे इतना सा कॉमन सेंस नहीं है उसको कि इतना समझ में आए कि भैया हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। कैसे बोलूं उसके मुंह पे मैं यार, जाहिर आदमी है भैया। नहीं है तू और मैं एक समान, नहीं है तू मैं एक जात बिरादरी के, नहीं बनानी भाई मुझे तरह से कोई रिश्तेदारी। राहुल कैसी बात कर रहे हो यार, आज के समय में कहां रह गए जात-पात? जात-पात है, जात-पात है। मैं मानता हूँ कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन बहुत लोग मानते हैं, मैं मानता हूँ जात पात है। आजकल सामने वाले भाई साहब आते नहीं है? हाँ तो ठीक तो है, कम से कम घर के अंदर शांति तो बनी हुई है। वैसे मिल गए थे एक दिन मुझे लिफ्ट में, पेन ड्रॉप साइलेंट, एकदम चुपचाप। हाँ अशोक बोल। क्या क्या हुआ यार? राजेश का एक्सीडेंट हो गया तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं भी साथ में जाऊंगी। नहीं नहीं तुम बैठो, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। क्या हुआ? पर्स घर पे भूल गया था जल्दबाजी में, वही लेने आया था। अरे बाबा मुझे कॉल कर देते मैं हॉस्पिटल आ जाती। अरे यार फोन स्विच ऑफ हो गया था, कहां से कॉल कर देता तुमको मैं? राजेश कैसा है अभी?
उसकी हालत बहुत गंभीर है, काफी खून बह चुका। तुमको मैंने फोन स्विच ऑफ होने से पहले बताया था। भाई साहब प्लीज अभी नहीं प्लीज। एक्चुअली आपकी वाइफ और मेरी वाइफ फेसबुक फ्रेंड है, इनके पोस्ट से पता पड़ा कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ और उसे ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव ही है। जात पात बाद में देख लेना, अभी जिंदगी बचाते हैं।